इस फाइल में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत आप अपना ये आलीशान ऑफिस और अपना वो विला उन दोनों में मुझे बराबर का हक देंगे। आपने जिन लोगों के लिए अपनी जिंदगी गुजार दी उनके हिसाब देने का वक्त आ गया है। सभा का तो पता नहीं कहां गुम है, मगर हां नूर उसकी जिंदगी तो मैं ऐसी बना दूंगा कि वो मौत की दुआ मांगेगी, मगर मौत नहीं आएगी उसे। मैं आपसे क्यों जलूंगी? ना तो आपके पास पैसा है, ना ही अच्छा शौहर, ना ही औलाद, ना एजुकेशन, तो मुझे क्या जरूरत है आपसे जलने की? बहुत जल्द तुमसे भी ये सब छिनने वाला है। मार्केट में शेयर्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं और इन गिरते शेयर्स में सबसे ज्यादा नुकसान मेरा ही होगा। तुम्हें तुम्हारे जाने से मेरा इमेज बिल्कुल बर्बाद होकर रह गया। Why you have done this to me? हेलो, टॉक अबाउट व्हाट? ओके, बीबी जी, वो साहब की अम्मी, क्या हुआ अम्मी को? उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, वो अस्पताल में है। हेलो, मैं अभी बहुत बिजी हूं, तुमसे बाद में बात करता हूं। एक मिनट, एक मिनट, आज आपने मुझसे मिलना था भाई। मैंने कहा ना कि मैं बिजी हूं। मसरूफ है कि इरादा बदल दिया? नूर की खूबसूरती से मुतासिर होकर? हर कोई तुम जैसा नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं भी बिजी हूं, और रही बात मिलने की तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि मिलना है या नहीं। मिलना तो पड़ेगा तुम्हें मुझे, मैं भी देखता हूं कैसे नहीं मिलता। तुम्हें ये लो पानी। थैंक्स। अच्छा बताओ जॉब का क्या बना? क्या बनेगा, हर चीज के लिए सिफारिश की जरूरत होती है। अच्छी जॉब चाहिए तो सिफारिश लेकर आओ। मुझे तो लगता है अगर कफन भी चाहिए होगा तो उसके लिए भी सिफारिश की जरूरत होगी। उफ अल्लाह, एक तो तुम भी ना कभी कभी बहुत फजूल सी बातें करते हो, और अपना चेहरा देखो कितना थका हुआ लग रहा है। फुप्पो का दुख क्या कम था जो एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है। अच्छा तुम परेशान मत हो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस काम हो रहा है थोड़ा सा। मेडिसिन लेकर सबकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि शफकत साहब इस सीट के काबिल नहीं रहे हो। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर ये नहीं तो इनकी जगह कौन लेगा? आप? मैं? बिल्कुल, आप इनसे बेहतर इस पोस्ट को संभाल सकते हैं। आप लोग सब शायद कोमल को भूल रहे हैं। जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ उसको दोबारा पोस्ट कैसे दे सकते हैं? मेरी तरफ से वोट इमाद सर की तरफ है,
बाकी आप लोगों का ये फैमिली मैटर है। You guys can leave now. इमाद, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। और आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। आप तो कोमल को अपनी जायदाद से आग करने वाले थे ना, और यहां इस बोर्ड मीटिंग के अंदर आप उसको सीईओ बनाने की बात कर रहे हैं। कोमल को हरगिज सीईओ नहीं बनने दूंगा मैं। अब ये पोस्ट मैं खुद लूंगा। कैसी हैं? जॉन वरी नर्वस ब्रेकडाउन था, बट आप ये बात याद रखिएगा, इनको कोई टेंशन की खबर ना मिले, उनके लिए अच्छी नहीं है। हम उन्हें घर कब लेके जा सकते हैं? ये तो मैं आपको 2 या 3 घंटे बाद ही बता सकती हूँ। थैंक यू। हेलो, कहाँ तुम? कब से फोन कर रहा हूँ? साहब जी, मेरी तो जान पे बनी पड़ी है। क्यों, क्या हुआ? वो नूर बीबी। क्या हुआ? वो अचानक से बिना कुछ बताए घर छोड़ के भाग गई है। क्या, भाग गई? जान, क्या कहा तुमने? क्या नूर भाग गई? मैं वजह जानना चाहता हूँ। तुम्हारी एक बात ने तुम्हारी माँ को यहाँ पर अस्पताल में पहुंचा दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। क्योंकि बोलो वजाहत, मुझे बताओ कि ऐसा क्यों हुआ है। अब ये इन बातों के लिए वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। क्यों, उम्मीद नहीं थी ना मुझे देखने की? क्या बोला था तुमने? कि तुम्हें आजादी की ख्वाहिश नहीं है। वजाहत, मैं यहाँ पे किस आशिक से मिल रही थी हॉस्पिटल में? आशिक? हेलो कमल, मैंने सीखा। थैंक यू मुबीन। तुमने मेरी इतनी फिक्र थी। तुम्हें क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने नूर को देखा था रात के इस वक्त। मुबीन, आर यू श्योर वो नूर आप ही थी? कम ऑन, नूर को पहचानना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं। तो फिर तुम परेशान क्यों हो गए? मैंने जिस हालत में नूर को देखा है वो कुछ अजीब सी थी ना, वो हुलिया वैसा उसका ना सेहत। मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। तुम मिले थे उनसे? तुमने बात की थी उनसे? नहीं, दूर से देखा था उसे। I'm sure अगर वो मुझे देख लेती तो जरूर रुकती। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम वानिया को कॉल करके पूछ लो। हाँ, यही सोच रहा हूँ। कल वानिया के घर जाऊंगा, उसके बेबी को भी देख लूंगा और उससे सारी मालूमात भी ले लूंगा। जैसा तुम्हें बेहतर लगे। चाहत, मैं यहाँ अम्मी से मिलने आई। वाह, मानना पड़ेगा बहुत बड़ी प्लेयर हो तुम। मुझे देखते ही बाजी पलट दी, अम्मी से मिलने आई हूँ। चाहत, मेरा यकीन करें, मैं यहाँ अम्मी से मिलने आई हूँ। बकवास बंद करो। तुम्हारी बकवास, तुम्हारी गेम, तुम्हारी हर चीज सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब तुमने अपने गलीज इरादों के लिए मेरी माँ की बीमारी का इस्तेमाल किया।
शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या कर रहे हैं सब लोग? देख रहे हैं तो दफा जाओ यहाँ से। सब लोग देख रहे हैं, दफा जाओ यहाँ से और मेरी नजरों से भी। और एक बात और, मेरे घर की दहलीज पार की ना तुमने तो वापस मेरे घर में मत जाना। मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी, कहीं भी, क्योंकि तुम जैसी औरतों के लिए ठिकाना ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। बचाहत चलो बेटा, मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, आ जाओ। क्या? दूर रहो मुझसे, जरूरत नहीं है तुम्हारी हमदर्दी की। जो औरत अपने शौहर की नहीं हो सकी, अपनी औलाद की, अपने घर वालों की नहीं हो सकी, वो मुझसे हमदर्दी क्या खाक करेगी? मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी फिक्र कर। और हाँ, मैं तो वैसे भी नहीं चाहती थी कि तुम इस घर में वापस आओ। चलो अब आ ही गई हो तो क्या करें, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर दोबारा मेरे शौहर के कान भरने की कोशिश की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। फानिया बेगम, बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे, अब तुम्हें पता चलेगा असल ड्रामा क्या होता है। मैं बताऊंगी तुम्हें। चाहत, अबू, तुमने तो कहा था कि मैं नूर को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, तो फिर ये इस वक्त यहां पर क्या कर रही है? जी, दरअसल वो नूर ने मुझे साफ साफ बता दिया कि तुमने किस तरह जबरदस्ती करके उसे अपनी फूफो के घर छोड़ा था उनकी वफात के लिए, इसीलिए तुम हमें अपने घर आने से मना कर रहे थे। जब मैं वहां नहीं थी तो आपका ख्याल कौन रखता था? नूर ये बात नहीं है, यही बात अगर ये साफ साफ बता देता तो आज इसकी माँ यहाँ पर अस्पताल में नहीं पहुंचती। आप तो जानते हैं मजाक, इन्हें खुलकर बात करने की आदत नहीं। चलो बेटा नूर, अब तुम्हारी अम्मी की तबीयत काफी अच्छी हो गई है, आओ हम इन्हें देखने चलते हैं। और तुम यहीं तशरीफ रखो। चलो बेटा। इस औरत के ड्रामे, घटिया हरकत, पता नहीं क्या समझती है खुद को वो आसिया, जब देखो बिला वजह का रो भी खत्म नहीं होता। उसी ने असलम को भड़काया है, उसका मतलब तो साफ हुआ ना कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही शौहर को मेरे खिलाफ भड़काती है। इसका मतलब ये औरत कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। वानिया, लाइट बंद कर दो और सो जाओ यार, मुझे देर हो जाती है काम पे जाने में। जी बंद कर दो।
अच्छा हुआ आप ठीक हो। अल्लाह आपका साया हमेशा मेरे सरों पे सलामत रखे। अफसोस मत करो नूर। कैसे ना करूं, दोनों के अलावा मेरा है ही अभी मेरे माँ बाप है। मैं आप दोनों को खोना नहीं चाहती। मेरी बच्ची, तुम्हारी दुआओं से हमें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, हमारी नूर कुछ मांगे और वो ना दे ऐसा मुमकिन ही नहीं। मुजाहद, नूर को लेकर जो बात तुमने मुझसे कही थी, आज भी मेरा ध्यान उस तरफ जाता है। इस बच्ची की आंखों की नमी देखकर इस पर भरोसा करने का दिल चाहता है। एक बात का ख्याल रखना, आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं देना। इसकी सी मासूमियत इस धोखे के आप अकेले ही शिकार नहीं।